वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेने लेके आया हूँ, जो 2022 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इस वीडियो का जो मतलब पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसका लिंक। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम जितने भी बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसके सारे एमसीक्यू करने वाले हैं आज, और ये 2022 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में नवाचार का अर्थ है। ठीक है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आ, उसमें कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा परंपरागत शिक्षा ग्रहण करना। सेकंड कह रहा है हमारा विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा कह रहा है हमारा विद्यार्थियों द्वारा आधुनिक तकनीकी व नए विचारों की शिक्षा ग्रहण करना। और दा कह रहा है हमारा विद्यार्थियों को ट्यूशन द्वारा शिक्षा देना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये कथन दिया हुआ है नवाचार एक विचार है, व्यवहार या वस्तु है जो नवीन व स्थापित स्वरूप से गुणात्मक रूप में भिन्न है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट हमारा आ दिया हुआ एम बी माइल्स, सेकंड में वा में कह रहा है यूनेस्को, सा में कह रहा है एच एस भोला और दा में कह रहा है एच जी बार्नेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा दा होगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा है नवाचार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ये चार आपको कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो फर्स्ट हमारा कह रहा है नवाचार स्वतः उद्भव होता है। सेकंड हमारा कह रहा है वह शिक्षा में नवाचार स्थापित शिक्षा प्रणाली का ही एक रूप है। क्या कह रहा है नवाचार एक विचार है, व्यवहार व वस्तु है जो स्थापित स्वरूप से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, और द हमारा कह रहा है शिक्षा में नवाचार जीवन की वास्तविकता से संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन सेकंड थर्ड का जो ऑप्शन है हमारा वो सा सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति शिक्षा की नई प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो शिक्षा की नई प्रवृत्ति नहीं है। तो फर्स्ट हमारा कह रहा है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सेकंड वा में हमारा कह रहा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति और सा में कह रहा है हमारा सामाजिक प्रवृत्ति और दा में कह रहा है आशावादी प्रवृत्ति। तो चौथे का हमारा आंसर जो है आशावादी प्रवृत्ति जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा नवाचार का भाग नहीं है, तो आ कह रहा है हमारा प्रौढ़ शिक्षा, बा कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान, सा में मनोवैज्ञानिक शिक्षा और द कह रहा है दूरस्थ शिक्षा। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक शिक्षा। छठा क्वेश्चन हमारा है कि यह कथन है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। मतलब नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, नवीनता का अनुभव करता है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ई एम रोजर्स का, सेकंड वा में कह रहा है एच जी वार्नेट का और सा में कह रहा है जॉन ड्यूवी का और दा में है एच वी माइल्स का। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका आ करेक्ट हो जाएगा, ई एम रोजर्स। सातवां क्वेश्चन हमारा है कि नवाचार का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, नवाचार का शाब्दिक अर्थ है, आप भी कह रहा है हमारा शिक्षा में नवीन प्रणाली का समावेश करना, वह है शिक्षा में नव विचार उत्पन्न करना, सा में है शिक्षा में नया कुछ भी न करना, शिक्षा में नया कुछ भी न करना और द हमारे कह रहा है उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन आ सही हो जाएगा, शिक्षा में नवीन प्रणाली का समावेश करना। ठीक है ना, नवाचार का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा में नवीन प्रणाली का समावेश करना।
इसके बाद में आठवां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के नवाचार का भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है हमारे लिए, कह रहा है सतत शिक्षा, लेकिन हमारा कह रहा है आधुनिक, वो सॉरी अध्यापकों के वेतन मान का पुनः निर्धारण, द कह रहा है जनसंख्या शिक्षा, और द कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन वह सही हो जाएगा, सेकंड वाला, अध्यापकों के वेतन मान का पुनः निर्धारण। ठीक है ना, पुनः निर्धारण। नवा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा के नवाचार की आवश्यकता से नहीं है, मतलब इनमें से किसका जो संबंध है वो शिक्षा के नवाचार की आवश्यकता से नहीं है। तो आ कह रहा है नए शिक्षा, नए ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन में सामाजिक समस्याओं का समाधान, ता कह रहा है तकनीकी और व्यावसायिक क्षमता का विकास, और दा कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा क्षमता का विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दा सही हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक क्षमता का विकास। दसवां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम किस आयोग या नीति की संतुति के आधार पर शिक्षा में अनेक नवाचारों का समावेश हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आ हमारा कोठारी आयोग, सेकंड हमारा मुदालियर आयोग कह रहा है, और स कह रहा है नई शिक्षा नीति 1986, और द कह रहा है सॉरी राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, आ और सा वाले, मतलब कोठारी आयोग और बा नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, इसके बाद में ग्यारहवां क्वेश्चन हमारा है, यूनिसेफ का पूरा नाम लिखिए। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी, मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, ये यूनिसेफ का पूरा नाम है। बारहवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूनिसेफ की स्थापना की गई, ठीक है, मतलब यूनिसेफ की स्थापना जो है वो कौन से सन में की गई। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमारा 1954 में की गई, बा में कह रहा है 1946 में की गई, या स में कह रहा है 1947 में की गई, या 1950 में की गई। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1946 में की गई। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि किसकी सिफारिश पर यूनिसेफ की स्थापना की गई, मतलब यूनिसेफ की स्थापना की गई 1946 में, ठीक है, लेकिन किसकी सिफारिश पर की गई। तो फर्स्ट आपका कह रहा है यूनेस्को, या सेकंड कह रहा है खाद्य व कृषि संगठन के मतलब सिफारिश पर, या संयुक्त राष्ट्र के संघ की सिफारिश पर, या नई शिक्षा नीति के सिफारिश पर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सा सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश पर। ठीक है ना, 14वां क्वेश्चन हमारा है यूनिसेफ का प्रमुख योगदान है, मतलब यूनिसेफ का जो है वो प्रमुख योगदान क्या है, शिक्षा है क्या इसका योगदान प्रमुख, या स्वास्थ्य व पोषण है, या सुरक्षा व सरल है, ये उपर्युक्त सभी है। तो यूनिसेफ का जो प्रमुख योगदान है, तो इसमें देखो शिक्षा भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य व पोषण भी आ जाएगा, और आपका सुरक्षा व सरल भी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका द इज करेक्ट, ठीक है ना, द आपका सही है। 15वां क्वेश्चन हमारा है यूनिसेफ का मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, नई दिल्ली में है, लंदन में है, या पेरिस में है। ठीक है ना, ये भी देख लीजिए आप, न्यूयॉर्क कहाँ यूएसए में पड़ता है, नई दिल्ली इंडिया में है, लंदन अमेरिका में, ठीक है, पेरिस जो है जापान में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा आज जो न्यूयॉर्क जो है यूएसए में हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड यूनिट हमारी अब स्टार्ट हो रही है, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है संविधान की धारा 45 का संबंध है, मतलब संविधान की धारा जो है 45 उसका संबंध इनमें से किस में है, केंद्रीय विद्यालयों से क्या संबंध है, फर्स्ट। सेकंड कह रहा है राज्यों की उच्च शिक्षा से है। थर्ड आपका कह रहा है अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से है, या माध्यमिक शिक्षा से है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से है संविधान धारा 45 का संबंध। दूसरा क्वेश्चन हमारा है शिक्षा को संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब शिक्षा को संविधान की किस संवर्ती सूची में रखा गया है, फर्स्ट 1948 में को, सेकंड आपका 1950 को, थर्ड आपका 1971 को, और द कह रहा है आपका 1976 को। ठीक है, तो इसका द करेक्ट हो जाएगा आपका 1976
76 के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि शिशुओं की देखभाल व शिक्षा का सुझाव दिया, मतलब शिशुओं की देखभाल और शिक्षा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या शिक्षा नीति 1968, या कोठारी आयोग, या माध्यमिक शिक्षा आयोग? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका आ इज करेक्ट हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? मतलब सन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? प्रथम शिक्षा नीति है, तृतीय है, द्वितीय है, या चतुर्थ है? तो आपका इसमें जो ब है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तृतीय शिक्षा नीति है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय है, मतलब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय है, मतलब क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट कह रहा है विद्यालयों की सार्वभौमिक व्यवस्था से है, या सार्वभौमिक नामांकन से है, या सार्वभौमिक गुणवत्ता से है, थर्ड, या उपर्युक्त सभी से है। तो इसका ऑप्शन आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब प्राथमिक शिक्षा के जो सार्वभौमिकता का अभिप्राय वो व्यवस्था से भी है, नामांकन से भी है, और गुणवत्ता से भी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपका है संविधान की धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किस सरकार को सौंपा गया? ठीक है, तो फर्स्ट आपका कह रहा है केंद्र सरकार को सौंपा गया, या राज्य सरकार को, या स्थानीय सरकार को, या आपका फोर्थ कह रहा है व्यक्तिगत सरकार को। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका बात सही हो जाएगा, राज्य सरकार के लिए। ठीक है ना, सातवां क्वेश्चन हमारा है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बालकों को दी जाती है? और निःशुल्क शिक्षा जो है और अनिवार्य शिक्षा भी है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो 4 से 12 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, या 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 14 वर्ष के लिए, या 8 से 14 वर्ष के लिए? तो इसमें आपका सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आठवां क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क, ठीक है ना, मतलब फ्री व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 40 में की गई है क्या, या अनुच्छेद 43 में, या अनुच्छेद 45 में, या अनुच्छेद 50 में? ठीक है, तो ये कब की गई है आपकी? अनुच्छेद 45 में। ठीक है ना, साहब का सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इनमें से किस में संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना, या माध्यमिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से, या शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा से? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो आपका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना है वो कब शुरू की गई थी? 1986 से 87 में, या 1991 से 92 में, या 1989 से 90 में, या 1987 से 88 में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा, 1987 से 1988 में। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की शुरू की घोषणा का उद्देश्य है, मतलब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की जो योजना है, योजना की घोषणा जो थी उसका उद्देश्य मतलब क्या है? तो फर्स्ट कह रहा है हमारा अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना इसका उद्देश्य था, या प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, या उपर्युक्त दोनों की प्राप्ति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो है आपका सा हो जाएगा, ठीक है, मतलब अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना भी, और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना भी, ठीक है ना, तो आपका सा हमारा सही हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ की गई, मतलब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो योजना है वो किस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ की गई?
इसका पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या माध्यमिक शिक्षा आयोग राष्ट्र सॉरी ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग द ऑप्शन जो था आपका। तो ये ऑप्शन आपका 1986 वाला करेक्ट हो जाएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मतलब सब आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का प्रसार किस स्तर तक की शिक्षा में किया गया। मतलब राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1992 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का जो प्रसार है किस स्तर तक की शिक्षा में किया गया। प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा में किया गया पर, या माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर, या उच्च प्राथमिक स्तर पर, या उच्च प्राथमिक, यहाँ पे ये डबल दे दिया गया है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सा कह दूँ, सा आपका सही हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक है ना, दोनों सही है आपकी, ये वाले ऑप्शन गलत वो हो गया, छप गया। इसके बाद में चौथा 14 क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को राष्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया ठीक है, 1986 की शिक्षा नीति, या 1968 की शिक्षा नीति, या 1990 की राममूर्ति समिति, या 1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये आपका 1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका द जो है वो आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के आर्टिकल 26 में शिक्षा को घोषित किया गया, संवैधानिक अधिकार, या वित्तीय अधिकार, या मौलिक अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार ठीक है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए 2010 तक निरक्षरता उन्मूलन हेतु चलाई गई योजना है ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा योजना है, या प्रौढ़ शिक्षा है, या सर्व शिक्षा अभियान योजना है, या उपर्युक्त सभी है ठीक है ना। तो ये कौन सा इसमें आपका आपका सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान योजना। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि 1994 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर चलाया गया कार्यक्रम ठीक है, जवाहर योजना, सेकंड आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो आपका कह रहा है साक्षरता मिशन, ए उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बा वाला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि कस्तूरबा विद्यालयों का संबंध है, मतलब कस्तूरबा विद्यालयों का संबंध किससे, उच्च शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से है, या प्राविधिक शिक्षा से है। तो कस्तूरबा विद्यालयों का जो संबंध है वो कौन सी शिक्षा से है, आपका प्राथमिक शिक्षा से है। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि लोक जुम्बिश परियोजना भारत में किस राज्य में प्रारंभ की गई। मतलब लोक जुम्बिश जो परियोजना है वो भारत में किस राज्य में प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश में की गई, या राजस्थान में की गई, महाराष्ट्र में की गई, या केरला में की गई। 19वां, तो 19वीं का आपका जो है बस सही हो जाएगा, राजस्थान में की गई ठीक है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, लोक चुंबिस परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई ठीक है ना, शुरू कब की गई है, राजस्थान में की गई, लेकिन किसके सहयोग से शुरू की गई थी लोक चुंबिस परियोजना। तो 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब स्वीडन के सहयोग से ठीक। 21वां क्वेश्चन है हमारा, लोक जुम्बिश परियोजना संबंधित है, लोक जुम्बिश परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, शिक्षा के निजीकरण से, या शिक्षा के समाजीकरण से, शिक्षा के सार्वभौमीकरण से, या शिक्षा के भूमंडलीकरण से। 21 21 का आपका ऑप्शन जो है सा सही हो जाएगा ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमीकरण से। 22वां क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य परियोजना प्रारंभ हुई 1986 में हुई, या 1982 में,
1980 में या 1968 में एकलव्य परियोजना प्रारंभ हुई। तो एकलव्य परियोजना जो है हमारी वो 1982 में प्रारंभ हुई। 23वां क्वेश्चन है हमारा, महिला समाख्या परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। मतलब महिला समाख्या परियोजना जो है वो भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, 1982 में या 1980 में, 1984 में या 1986 में। 23 का आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 1984 करेक्ट हो जाएगा, मतलब सा वाला, ठीक है। 24th क्वेश्चन है हमारा, 24वां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है इनमें से किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से है, प्रौढ़ शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से या दूरस्थ शिक्षा से। 24वां, 24वीं का आपका ब सही हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ये, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 25वां आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, ठीक है, 5 मई 1988 को की गई, या 5 मई 1986 को, या 5 मई 1982 को, या 5 मई 1980 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है वो 5 मई आपके लिए 1988 को की गई, तो आपका आज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, या श्री राजीव गांधी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, या श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो हमारा श्री राजीव गांधी द्वारा स्थापित किया गया, वह आपका सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिशुओं की देखभाल व शिक्षा पर संतुति दी, ठीक है, एनएपी 1886, या एनएपी 1968, या कोठारी आयोग, या उपर्युक्त सभी। 27 का आपका एनएपी 1986 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये एनईपी क्या है, एनईपी जो मतलब एक इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, सॉरी 28वां क्वेश्चन है हमारा, आंगनवाड़ी एकीकृत बाल सेवा योजना के रूप में प्रारंभ किए गए 1972 में किए गए, या 1986 में, 1975 में, या 1968 में। 28 तो 28 का हमारा ऑप्शन जो है साफ सही हो जाएगा, 1975 वाला, ठीक है ना। 29वां क्वेश्चन हमारा, एकलव्य योजना की स्थापना भारत के किस राज्य में शुरू की गई। एकलव्य योजना की जो स्थापना है वो भारत के किस राज्य में शुरू की गई, राजस्थान में की गई, या गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। 29, 29वां, तो इसका आपका जो है ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में शुरू की गई। 30वां क्वेश्चन है हमारा, महिला समाख्या योजना भारत के किस राज्य में लागू नहीं की गई, ठीक है ना, बिहार में लागू नहीं की गई, या राजस्थान में, या गुजरात में, या कर्नाटका में। तो महिला समाख्या योजना जो है भारत के राजस्थान में, ठीक है ना, इसका ब आपका सही हो जाएगा, भारत के राजस्थान में लागू नहीं की गई। 31वां क्वेश्चन है हमारा कि बालवाड़ी में बालकों के भेजने की आयु है 2 वर्ष है, 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष। 31 का देखिएगा, 31 का आपका बस सही हो जाएगा, ठीक है ना, 3 वर्ष। 32वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। प्रथम योजना जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ की गई, 1990 में की गई, या 1996 में, 1994 में, या 1992 में। 32 का देखिए, 32 का हमारा जो है सा सही हो जाएगा, 1994 में। 33वां क्वेश्चन है हमारा,
आंगनबाड़ी केंद्र पर किस आयु वर्ग के शिशुओं की देखभाल व सुरक्षा की जाती है? बोलो, आंगनबाड़ी केंद्र जो है उस पर किस आयु वर्ग के शिशुओं की देखभाल व सुरक्षा की जाती है? 0 से 6 वर्ष तक, या 0 से 4 वर्ष तक, या 6 से 14 वर्ष तक, या उपर्युक्त सभी? 33। तो इसमें जो हो जाएगा 33 का, वो आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष तक के। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है हमारा। एडोकॉम योजना स्थापित की गई 1990 में की गई, या 1992 में, 1994 में, या 1996 में? एडोकॉम योजना स्थापित की गई, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन दस सही हो जाएगा, 1996 में। 35वां क्वेश्चन है हमारा। प्रौढ़ शिक्षा में राजनैतिक नागरिकता व नैतिक शिक्षाएं भी शामिल हैं, ये कथन है? ठीक है, मतलब प्रौढ़ शिक्षा में जो राजनैतिक और नागरिकता व नैतिक शिक्षाएं भी शामिल हैं, ये कथन किसका है? के जी सैदेन का है, या एस एन मुखर्जी का है, प्रो हुमायूं कबीर का है, या डी एस कोठारी का है? 35 का, तो 35 का आपका ऑप्शन जो है आ सही हो जाएगा, के जी सैदेन का। ठीक है ना, 36वां क्वेश्चन है हमारा। प्रौढ़ शिक्षा किस आयु वर्ग के निरीक्षकों के लिए है? प्रौढ़ शिक्षा जो है वो किस आयु वर्ग के निरीक्षरों के लिए है? 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, या 17 से 14 वर्ष के, 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, या 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए? 36वां क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सात सही हो जाएगा। ठीक है ना, 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। 37वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने किस सन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया? ठीक है, 1971 में लिया, या 1986 में, 1988 में, या 1948 में? 37, तो 37 का हमारा बा सही हो जाएगा, 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। ठीक है, अड़तीसवां देखिए, किसने कहा प्रौढ़ शिक्षा हमारे जीवन व मृत्यु का प्रश्न है? ठीक है, प्रो हुमायूं कबीर ने कहा, या जॉन ड्यूवी ने कहा, के जी सैदेन ने कहा, या एस एन मुखर्जी ने कहा? मतलब किसने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा जो है वो हमारे लिए जीवन व मृत्यु का प्रश्न है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका के जी सैदेन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सा वाला। 39वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए केवल वार्षिक, या सतत, अर्धवार्षिक, या त्रिमासिक? तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन जो है वो केवल वार्षिक होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक किया जाना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया, मतलब प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किसने किया? गांधी जी ने किया, या गोखले ने, या नेहरू जी ने, या मौलाना आजाद ने? 40, तो 40 का आपका दा सही हो जाएगा। ठीक है ना, मौलाना आजाद ने। 41वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा किस सन में दिया गया? मतलब प्रौढ़ शिक्षा का जो नया नाम है समाज शिक्षा वो किस सन में दिया गया? 1986 में दिया गया, या 1947 में, 1949 में, या 1950 में? 41 का, तो 41 का हमारा सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1949 में। 42वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की? 1961 में की, या 1971 में, 1981 में, या 1951 में? 42, तो 42 का हमारा जो है बा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1971 में। 43वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, या नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? ठीक है ना, या चौथी पंचवर्षीय योजना में, या 12वीं पंचवर्षीय योजना में? नवी मतलब, ठीक है ना,
तो 43 का आप देखिएगा, 43 का आपका सात सही हो जाएगा, चौथे पंचवर्षीय योजना में नवीन लिखा है ये, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नवीन। 44वां क्वेश्चन है हमारा, ये कथन है प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब अवसरों पर बस सब परिस्थितियों में शिक्षा है। ब्रैसन ने लिखा का कथन है ये, यूनेस्को का रिपोर्ट है या हाउतो या केजी सईदेन 44 का। तो 44 का आपका ब्रैसन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 45वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी वर्ष क्या है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2009 से, या 1 जनवरी 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, या 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। 45, तो 45 का हमारा सा करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की योजना कब प्रारंभ हुई, 2004 में हुई, या 1988 में, 2000 में, या 2001 में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की जो योजना का प्रारंभ हुआ वो कौन से सन में हुआ, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा दा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2001 में हुआ। 47वां क्वेश्चन हमारा है, लोक जुम्बिस योजना के उद्देश्य हैं अल्पसंख्यकों को शिक्षा, या अनुसूचित अनुसूचित व जनजाति के बालकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, या उपर्युक्त सभी। 47, तो 47 का इसमें दस सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोक जुम्बिस योजना का उद्देश्य जो है वो अल्पसंख्यकों को शिक्षा भी है, अनुसूचित व जनजाति के बालकों की शिक्षा भी है, और विकलांगों की शिक्षा भी, तो द आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1975 में हुआ, या 1978 में, 1980 में, या 1986 में। 48, तो 48 का हमारा यहाँ पे बात सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। यूनिट थर्ड पर हम लोग आ गए, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं करा लाइक कर दें। फर्स्ट इसमें है, रेडियो शिक्षा में संप्रेषण का कौन सा साधन है, रेडियो शिक्षा में संप्रेषण का कौन सा साधन है, तो श्रव्य है, ठीक है, दृश्य, या दृश्य श्रव्य दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन आपका आज जो है वो सही हो जाएगा, श्रव्य। रेडियो शिक्षा में संप्रेषण का साधन जो है वो श्रव्य है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में शिक्षा के लिए रेडियो द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रसारण की व्यवस्था किस संस्थान द्वारा की जाती है, UGC के द्वारा की जाती है, NCERT के द्वारा, या CIENT, ठीक है, या इसरो के द्वारा। तो इसमें से सबसे पहले जो आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का, वो आपका सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, CIENT के संस्थान के द्वारा। इसके बाद में इसको देख लेते हैं जरा, UGC क्या होता है। तो UGC का जो होती है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, तो जैसे कि रुक जाइए आप लोग। कमीशन, ठीक है, और आपका NCERT का हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, इसका नेक्स्ट हो जाएगा। काउंसिल एजुकेशनल, ठीक है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, सी एंड इसका हो जाएगा आपका।
अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ठीक है ना, एजुकेशनल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है। इस तरह का तो आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना। तो ये लोग आप फुल फॉर्म भी इनके यहाँ रखिएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 20वीं सदी में तकनीकी दृष्टि से बहुउद्देशीय यंत्र का नाम है ठीक है ना, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन या सैटेलाइट ठीक है ना। तीसरे का, तो तीसरे का आपका बात सही हो जाएगा, कंप्यूटर। 20वीं सदी में तो कंप्यूटर ही चल रहा है ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारत में कंप्यूटर नीति कब घोषित की गई, 1958 में की गई या 1961 में, 1975 में या 1985 में। तो इसका चौथे का जो है वो बा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1961 में जो है भारत में कंप्यूटर नीति घोषित की गई ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण का आधुनिक साधन है, संप्रेषण का आधुनिक साधन क्या है, इंटरनेट है या फैक्स है या टेलीफोन है या पोस्ट कार्ड है। तो संप्रेषण का जो आधुनिक साधन है वो आपका इंटरनेट हो जाएगा ठीक है ना, आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का उपयोग भारत में सर्वप्रथम जनगणना में किस वर्ष में किया गया, मतलब कंप्यूटर का जो यूज है वो भारत में सबसे पहले जनगणना में किस वर्ष में किया गया, 1971 में किया गया या 1961 में, 1951 में या 1981 में। तो छठे का आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सात सही हो जाएगा, 1951 में ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर द्वारा छात्र के किस आत्मा के पक्ष का विकास होता है, ज्ञानात्मा का होता है या रागात्मा का होता है, भावात्मक या सौंदर्यात्मक ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आ ही सही हो जाएगा ठीक है ना, स का हाँ आ सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्ञानात्मक का, ज्ञानात्मक है ना। एडसेट स्थापित किया गया है ना, एजुसेट स्थापित किया गया 20 सितंबर 2004 के लिए या 28 जुलाई 2005 को, या 20 सितंबर 2005 या 28 जुलाई 2004 के लिए। आठवां, तो आठवें का आपका आ सही हो जाएगा ठीक है ना, 20 सितंबर 2004 के लिए। एजुसेट किस संस्थान द्वारा आकाश में स्थापित किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा, नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा या यूजीसी के द्वारा। तो एजुसैट जो है वो आपका इसरो के द्वारा आकाश में स्थापित किया गया। इसरो का मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसरो, यूजीसी बता चुका हूँ और एनसीईआरटी भी आपके लिए बता चुके हैं। तो आपको नासा रह गया है, तो नासा का भी आप फुल फॉर्म लिख ही लीजिए। तो नासा का आपका हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ना। इसके बाद में दसवां क्वेश्चन है हमारा, निम्न के पूर्ण नाम लिखे थे, फुल फॉर्म आ गई आपकी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्रोत संगठन, बी बीएसएनएल, बीएसएनएल का होता है आपका भारत संचार निगम लिमिटेड ठीक है ना, सी आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब, फोर्थ आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइव आपका एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। छठा है आपका CIET सीएट का है, सेंट्रल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण
संस्थान। साथ में कह रहा है UGCE का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें यहाँ पे ई नहीं होगा आपका, ठीक है। आठवें का कह रहा है एजुसेट का एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है ना। इसके क्या है एजुकेशनल सैटेलाइट, मतलब शैक्षिक या शिक्षा संबंधी उपग्रह। नवा कह रहा है आपका IGNU इग्नू का है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। दसवां CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ग्यारहवा आपका है NPE, ठीक है, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन। बारहवा आपका कह रहा है NLM नेशनल लिटरेसी मिशन। तेरहवा है आपका HRDM ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चौदहवा आपका कह रहा है NGO नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, मतलब गैर सरकारी संस्था। पंद्रहवा RTE राइट ऑफ एजुकेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये RTE होती है। सोलहवा आपका कह रहा है SSA, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ 15-16 फुल फॉर्म दी हुई है, इनको आप सही से याद कर लीजिएगा। ग्यारहवा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, 1949 में किया गया या 1950 में, 1959 में या 1960 में। भारत में दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, ठीक है ना। गर्म क्वेश्चन है, तो गर्म क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा 10 सही हो जाएगा, 1960 में। कब किया गया, 1960 में। बारहवा क्वेश्चन हमारा टीवी एवं रेडियो किस उपागम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कठोर उपागम के, यहाँ पे कठोर नहीं, कठोर होगा तो कोमल उपागम, प्रणाली उपागम या उपरोक्त सभी में। बारहवा क्वेश्चन, तो बारहवा में आपका आ सही हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कठोर उपागम। ठीक है ना। तेरहवा क्वेश्चन है हमारा, तेरहवा भारत में कंप्यूटर नीति घोषित की गई, जैसे कि रुकिए जरा आप लोग। ठीक है ना, भारत में कंप्यूटर नीति घोषित की गई, तो 1980 में की गई या 1986 में, 1984 में या 1990 में। 13वां क्वेश्चन जो है, तो इसका आपका ऑप्शन जो है 7 सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1984 में। 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लिए प्रमुख है, सेलुलर फोन या पेजर या मॉडेम या फैक्स, ठीक है। तो 14वें का आपका वा सही हो जाएगा, मॉडेम जो है वो इंटरनेट के लिए प्रमुख है। भारत में आकाशवाणी प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ आकाशवाणी या 1937 में, 1927 में या 1930 में, 15 में। तो 15 में का आपका 7 सही हो जाएगा, 1927 में आकाशवाणी प्रसारण मतलब जो है प्रारंभ हुआ, कहाँ पर, भारत में। इसके बाद लास्ट यूनिट है हमारी, फोर्थ यूनिट जो है, कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा का प्रकार नहीं है, ठीक है। पत्राचार शिक्षा फर्स्ट आपका, या सतत शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय या जनसंख्या शिक्षा। तो पहले का हमारा दा सही हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा जो है वो दूरस्थ शिक्षा का प्रकार नहीं है। सेकंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ शिक्षा का आवश्यक अंग है, प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण या खुला विश्वविद्यालय या निश्चित भवन या समय सारणी। तो सेकंड का हमारा बा सही हो जाएगा, खुला विश्वविद्यालय जो है वो दूरस्थ शिक्षा का आवश्यक अंग है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की नहीं है, सतत शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या खुला विश्वविद्यालय या समय सारणी। तो तीसरे का हमारा दा सही हो जाएगा, समय सारणी जो है की विशेषता जो है वो दूरस्थ शिक्षा की नहीं है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूरस्थ शिक्षा के लिए नहीं है, यह शैक्षिक तकनीकी की अभिव्यक्ति का माध्यम है,
इसमें अध्यापक और छात्र सीधा संपर्क, छात्र का जो सीधा संपर्क अनिवार्य है, इसमें दूरदर्शन व आकाशवाणी का प्रयोग किया जाता है। इससे अनुदेशन व अनुदेशन में गुणात्मक वृद्धि की जा सकती है। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें अध्यापक और छात्र का सीधा संपर्क अनिवार्य हो जाता है, कौन सी दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है वो उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से सुन लो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूरस्थ शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि दूरस्थ शिक्षा विदेशों में अधिक सफल हुई है क्यों, मतलब दूरस्थ शिक्षा जो है वो विदेशों में अधिक सफल क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पे साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, या निरक्षरता का प्रतिशत अधिक है, या साक्षरता का प्रतिशत कम है, या सभी निरक्षर हैं, ठीक है ना। तो पांचवें का आपका आ सही हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे जो है वो साक्षरता का प्रतिशत जो है वो अधिक है, कहाँ, विदेशों में। छठा क्वेश्चन है हमारा कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में बहुत कम शर्तों का पालन करना पड़ता है, या किसी शर्त का पालन नहीं करना पड़ता है, या बहुत अधिक शर्तों का पालन करना पड़ता है, या सभी शर्तों का पालन करना पड़ता है। सिक्स, तो सिक्स का हमारा यहाँ पे आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बहुत कम शर्तों का पालन करना पड़ता है, कहाँ पे, औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में, ठीक है, मतलब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि दूरस्थ शिक्षा में सामूहिक शिक्षा के अवसर बहुत कम होते हैं, या बहुत अधिक होते हैं, होते ही नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवां, तो सातवें का हमारा आ सही हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा सामूहिक शिक्षा के अवसर जो हैं वो बहुत कम होते हैं। आठवां क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा में ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा में स्थान का बंधन नहीं होता, या स्थान तथा समय दोनों का बंधन नहीं होता, या स्थान व समय दोनों का बंधन होता है, या समय का बंधन नहीं होता। आठवां, तो आठवें का हमारा बात जो है वो सही हो जाएगा, स्थान तथा समय दोनों का बंधन नहीं होता, किसमें, दूरस्थ शिक्षा में। नवा क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने के मध्य हस्तक्षेप करते हैं, पीटर्स ने कहा, ठीक है, या जैक ऑक्स ने कहा, होमवर्ग ने कहा, या मालकोम एडी शेशिया ने कहा, ठीक है ना। तो नमी का जो है वो हमारा दा सही हो जाएगा, मालकोम एडी शेशिया ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने के मध्य हस्तक्षेप करते हैं। दसवां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांतों से अलग है, आवश्यकता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, या क्रियात्मकता का सिद्धांत, या कोमलता का सिद्धांत। तो दसवें का जो ऑप्शन है वो हमारा दा सही ऑप्शन है, कोमलता का सिद्धांत, ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन जो है हमारा कि ठीक है, तो ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड रुकिए जरा आप लोग, ठीक है।
तो इसका जो 11वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा श्री गणेश किस विद्यालय द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ठीक है ना, या दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। 11वां को, 11वें का जो ऑप्शन है वो हमारा साफ करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ, 12वां, ठीक है ना। राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो इसमें 12वें का जो है हमारा 12वें का बात सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। 13वां क्वेश्चन है हमारा, खुला विश्वविद्यालय में नहीं होता है, जो खुला विश्वविद्यालय है उसमें नहीं होता है क्या, पाठ्यक्रम नहीं होता है, या पढ़ाई नहीं होता, परीक्षा या कक्षा शिक्षण, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा द सही आंसर हो जाएगा, मतलब कक्षा शिक्षण नहीं होता है, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है, ठीक है, किसी को भी उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं है, या कुछ विशेष लोगों को यह अवसर प्राप्त है, या उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, ठीक है। तो 14वें का जो है वो ऑप्शन हमारा आ सही हो जाएगा, मतलब मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है, या कोटा उन्मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, या नालंदा विश्वविद्यालय। 15वां, तो 15वें का हमारा आ सही हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है, मतलब जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है, ओपन विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसका जो केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर, कोलकाता में है, या नई दिल्ली में है, मुंबई में, या चेन्नई में। 16, तो 16 का हमारा यहाँ पे बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, इग्नू जो दिया है उसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये इसी की बात कर रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे इग्नू की तो बात कर रहे हैं हम लोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन विश्वविद्यालय, ठीक। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि 1985 के आरंभ में संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय, वो सॉरी, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय की हुई, या राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 18वां, तो 18वें का जो है वो द हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1985 के आरंभ में संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, या जापान में। तो 19वें का जो है वो सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, मतलब इंग्लैंड में जो है, तो विश्व में सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय की, खुले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विजिटर हैं, ठीक है ना, कौन विजिटर है, मतलब कौन देख रेख करते हैं, शिक्षा मंत्री जो विजिटर हैं इसके, या प्रधानमंत्री विजिटर हैं, या राष्ट्रपति, या गांधी परिवार का कोई सदस्य। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सा सही हो जाएगा, 20 का, राष्ट्रपति, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या कानपुर में, या बरेली में, इसको यहाँ से, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 21 का देखिए, तो 21 का जो है वो ऑप्शन हमारा प्रयागराज ही सही हो जाएगा, ठीक है ना? बात जो है हमारा सही है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 और सॉरी 1856 में हुई, या 1823 में, 1900 में, या 1969 में? इंग्लैंड में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हमारा 22 का जो है वो दा सही हो जाएगा, 1969 में। 23 में करा, इग्नू का दिल्ली में 1985 में शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा, या श्री राजीव गांधी द्वारा, या श्री राहुल गांधी द्वारा? तो इग्नू इग्नू का दिल्ली में 1985 में शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? 23, तो 23 का देखिए हमारा यहाँ पे सा सही हो जाएगा, श्री राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1985 में, या 1986 में, 1990 में, या 1992 में? तो 24 का जो है वो हमारा दा करेक्ट हो जाएगा, 1992 में जो है दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 25वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में कब पारित हुआ? 1951 में हुआ, या 1953 में, 1955 में, या 1979 में, ठीक है ना? तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 25वां, तो 25वें का जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा 1979, ठीक है ना? 26वां क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है? औपचारिक है, या अनौपचारिक है, सतत है, या निरौपचारिक है? 26, तो 26 का हमारा द करेक्ट हो जाएगा, निरौपचारिक प्रणाली है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा जो है किस प्रकार की शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है? तो निरौपचारिक प्रकार की है, ठीक है ना? 27 में कह रहा है, कब से दूरदर्शन का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया? मतलब दूरदर्शन का जो प्रयोग है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कब से किया गया? 1951 से किया गया, या 1959 से, या 1953 से, या 1955 से? 27, तो 27 का हमारा बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1959 से। 28वां क्वेश्चन हमारा है, देश की बढ़ती हुई शिक्षा की मांग को पूर्ण करने के लिए दूरस्थ शिक्षा व पत्राचार शिक्षा का सुझाव दिया हंटर आयोग ने, नई शिक्षा नीति 1986 ने, कोठारी आयोग ने, या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने? 28वां, तो 28वां का जो हमारा सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोठारी आयोग ने, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया कोठारी आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा? तो 29 का जो ऑप्शन है हमारा सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, नवोदय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था है कक्षा 9 से 12 तक है, या कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 10 तक, या कक्षा 6 से 12 तक? नवोदय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था जो है वो है इनमें से, ठीक है ना? 30वां क्वेश्चन, तो 30वां क्वेश्चन का आंसर है इसमें की व्यवस्था जो है वो 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है ना? नवोदय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, नवोदय विद्यालय किस संस्था द्वारा संचालित है? नवोदय विद्यालय समिति, या CBSE बोर्ड, NCERT, या ICSE बोर्ड? तो नवोदय विद्यालय जो है वो 31 का जो है आपका नवोदय विद्यालय वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ही संचालित है, ठीक है ना? बाईस 32वां क्वेश्चन हमारा है, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? CBSE के द्वारा किया जाता है, UGC के द्वारा, या CAB के द्वारा, ठीक है ना, या NCERT के द्वारा? तो 32 का हमारा जो है वो NCERT के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है हमारा,
इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1960 में या 1954 में, 1985 में या 1987 में? 33। तो 33 का आंसर जो है वो हमारा सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1985 में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ। 34वां क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ शिक्षा का अनुरूप है औपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा या कक्षीय शिक्षा? तो 34 का जो है वो सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो दूरस्थ शिक्षा का रूप है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 35 के अंदर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट कह रहा है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सन 1985 में। सेकंड कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है? ठीक है ना, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को लिए कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों के लिए है। ठीक है ना, चौथा कह रहा है एडूकॉम्प एक गैर सरकारी संस्था है, इसमें हाँ या ना में जवाब देना है, तो हाँ। ठीक है ना, 5वां कह रहा है नवोदय विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना है, तो इसमें भी हाँ या ना में पूछ रहा है आपसे, तो इसका हाँ जो हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसमें भी आपका हाँ ही है, इसमें भी आपका हाँ है। छठा कह रहा है दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थी की स्वतः प्रेरणा पर आधारित होती है, हाँ या ना में, तो इसका आंसर भी आपका हाँ हो जाएगा। ये है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप ज़रा सही से कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं कराया वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और